आपका एएफ न्यूज उर्दू में खैर मकदम है। आज की खबरें, सदर माइनॉरिटी सेल शेख अमजद और वार्ड 5 के नुमाइंदा रुकने बल्दिया अमीर बेग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि संगारेड्डी ईदगाह के बाउंड्री की तामीर के लिए साबिक रुकने असम्बली संगारेड्डी चिंता प्रभाकर वो सदर जिले टीआरएस ने 15 लाख रुपए सैंक्शन किए थे, जिसका वर्क ऑर्डर भी आ चुका है और इसकी तामीर बहुत जल्द की जाएगी। हाल ही में ईदगाह के लिए 15 लाख रुपए का साफ फंड दिए थे इलेक्शन से पहले, जो मेरे हाथ में प्रोसीडिंग था मैं ही दिया, तो कुछ इशू था बाजू में जमीन का, वो इशू को सॉल्व करने के बाद काम रुक गया था, वो तो टेंडर भी हो गया और कंपाउंड वाल के लिए पूरा वर्क ऑर्डर भी आ गया, तो हाँ थोड़ी देर एक 2-4 दिन में वर्क भी शुरू हो जाएगा, इंशाल्लाह काम भी मुकम्मल हो जाएगा। कंपाउंड ईदगाह का कंपाउंड वाल नहीं हुआ, ये सब बेकार बात है, उसका वर्क भी कम्प्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह, कंपाउंड वाल का काम भी कम्प्लीट हो जाएगा। असेंबली में जो बात चल रही है, एमएलए साहब बेगड़ी साहब बोल रहे हैं कि ईदगाह के लिए कुछ भी नहीं काम हुआ, फंड नहीं है, ऑलरेडी 15 लाख रुपए उसके लिए सैंक्शन है, ऑलरेडी टेंडर हो गया, ऑलरेडी काम शुरू होने का ही है, ये नहीं मालूम हो कि बात करने से बात बाहर निकली फिर इसका नाम खराब होता, इसके बारे में मालूम करके बोल लीजिए, एमएलए रह के क्या काम करे, प्रभाकर साहब जो फिर रहे हैं बाट बाट फिर रहे हैं, हर दिन 3 दिन से एक दिन में 5-6 बार पूरे फिर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं और पब्लिक भी वैसा पीछे फिर रही है, प्रभाकर साहब को जानगे, डेवलपमेंट भी वैसी है और साहब के बात करने का ढंग भी वैसी है, अगर पहले ही मालूम होता तो पब्लिक छोड़ती नहीं कर रहे, बस ये टाइम में देने का आपका शुक्रिया मैडम।